हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएसबीस्ट यूके लर्न में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आज बहुत टाइम बाद एक नया ब्लॉग फिर से देखने को मिल रहा है आपको, और ये ब्लॉग फिर से एक मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से हल्द्वानी नैनीताल कैंची धाम बाबा नीम करौली जी के दर्शन करने। और सडनली प्लान बना हमारा, जस्ट सुबह से ऐसा कुछ था नहीं, बट अभी सडनली प्लान बना कि नीम करौली चलते हैं। फिर अभी 11 बजे की ट्रेन है, ऑलरेडी टाइम हो चुका है 10, देख सकते हैं आप ऑलरेडी टाइम 10 बजने वाले हैं। आप यहाँ से निकलते हैं, ओला कर दी है, कैब आने वाली है थोड़ी देर में, कैब आते ही फिर हम निकलते हैं यहाँ से। और जस्ट एक सडनली बना प्लान, ऐसा कोई था नहीं, बस वो होता नहीं कि बाबा जी का बुलावा आए तो चले जाते हैं, तो बाबा जी ने बुलाया। मैं लास्ट मंथ भी गया था जुलाई में, और फिर अभी आज दोबारा मौका मिला हमको बाबा नीम करौली जी के दर्शन करने का मौका मिला, तो आज हम फिर निकल रहे हैं डायरेक्ट। अभी रात की ट्रेन है, फिर सुबह वहाँ पहुँचते हैं, फिर उसके बाद सीधा वहाँ पर पहुँच कर रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद देखते रहो आगे, बाकी चीज़ें तो देखने को मिलेंगी आपको ब्लॉग में। बस यही अभी, और क्या बताऊँ मैं, अभी और तो कुछ है नहीं कर सकता। ब्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही इतना कि मैं इधर उधर जा सकूँ, तो जैसी मेरी ट्रैवलिंग स्टार्ट होती है फिर मैं आपको एक मज़ेदार ब्लॉग आने वाला है। और अब कुछ टाइम बाद, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था मोटर ब्लॉग, बट कुछ टाइम बाद आपको एक मोटर ब्लॉग देखने को मिलेगा मेरा बहुत जल्द। अब मेरा मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट होने वाला है, ये मे बी मैं वहाँ से आने के बाद देखता हूँ, वहाँ से आने के बाद इस कुछ 2-3 दिनों के अंदर क्या मोटर ब्लॉग देखने को मिलेगा आपको। और बाकी चलो चलते हैं, मिलते हैं वहीं सीधा ट्रेन में। सो गाइस, फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए, अब टिकट लेने जा रहे हैं। गाइस फाइनली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं हम नीचे ट्रेन लगी हुई है, फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। पहुंच गए गाइस फाइनली प्लेटफॉर्म पे, देख सकते हैं ट्रेन लगने लगी है, लखनऊ के लिए जा रही है, इसके बाद लगेगी हमारी ट्रेन। भीड़ देख सकते हैं आप कितनी लगी हुई है, ट्रेन लगी नहीं है, ट्रेन लगने का ही वेट कर रहे हैं सब लोग, यहाँ पे पब्लिक बहुत है, सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हमारा तो अचानक ही सडनली प्लान बना, बट ऐसा कोई कंफर्म था नहीं, बट अब जाके हो गया तो प्लान क्या कर सकते हैं इसमें। फाइनली ट्रेन तो मिल गई, बट हमने टिकट कटिंग से बस जनरल वहाँ से बांटे थे तो टिकट मिल नहीं रही। अब देखो हम यहाँ लॉबी में खड़े हैं, सब लॉबी में वेट कर रहे हैं कि टिकट मिल जाए, वो सब टीसी से बात कर रहे हैं, देखते हैं अब बाबा की ऐसी भक्ति। बोलो, देखो बाथरूम में खड़े हैं, बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, इतनी भीड़ है, कल मंगलवार है, फुल ट्रेन हो रखी गाइस, पूरी फुल भरी पड़ी है, अब वेट कर रहे हैं कि टिकट मिल जाए। हमने टिकट खरीदी क्योंकि अचानक प्लान बना था, टिकट करा नहीं, अब मिल भी नहीं रही थी, हमने जनरल कर ली थी, हमने कहा चलो यहाँ टीसी से बात करके एसी में करवा लेंगे कन्वर्ट, अब देखते हैं क्या बोलते हैं टीसी साहब, बात करते हैं फिर भी मिलते हैं। बाकी देखो गेट पे वेट कर रहा हूँ बस टीसी का, कब तक आ जाए, बस फ्री हो जाए तो टिकट मिल जाए, मिलता हूँ फिर गाइस आपको थोड़ी देर बाद। गाइस लगता है गेट पर खड़े होके जाना पड़ेगा, बाबा जी की भक्ति, चलो कोई बात कर लेंगे, इतना तो कष्ट कर सकते हैं यार। बाकी देखो अभी वेट करने की सीट मिल जाए, ट्रेन चल पड़ी है आप यहाँ से, मे भी हो सकता है कि मुरादाबाद में खाली हो जाए, बट होप करते हैं कि हो जाए और हमें सीट मिल जाए, ताकि हमारी ये कि थोड़ा सा नींद पूरी हो जाए, एक सीट भी मिल जाए हमें तो एडजस्ट कर लेंगे। एसी में तो इन्होंने फुल कर रखा शायद, बट देखते हैं अभी भी बात कर रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं हो जाएगी टिकट, बस होप कर सकते हैं आप। देखो बैग आगे करना कभी भी ट्रिका ट्रेन में चलते समय, क्योंकि चोरी का बहुत दिक्कत होती है, कौन पीछे से कब सामान क्या गायब कर ले, इसलिए हमेशा बच के रहें। मेरे बगल पे यहाँ पे मालगाड़ी खड़ी है, मेरे साथी वहाँ पीछे बैठ चुके हैं गाइस, देखो वो वहाँ पे बैठ चुके हैं, इंतज़ार करते हैं, सीट मिल गया बट थोड़ी देर में चार्जिंग पे लगा दिया मैंने ऑप्शन, देख सकते हैं आप फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, बाकी सब सोए हुए हैं, स्लीपर में मिली है बड़ी अंजाम, कैसे लेटे हुए हैं एक इधर एक उधर को, अब हम दोनों ने यहाँ पे सोना है, इन्होंने और मैंने इस पर एमरजेंसी, बगल में इतना हल्ला हो रहा है, देखो पता है आवाज़ सोने का तो मुश्किल लग रहा है आज, लेकिन देखते हैं एडजस्ट कर। तो फाइनली हमें सीट मिल चुकी थी, देख सकते हैं आप मेरे को टॉप फ्लोर वाला मिला था, और मेरे को ठंड से हालत ख़राब हो रही थी, ऊपर इतनी ठंडी हो रही थी, और सीट हमें फाइनली मिल गई थी। गाइस फाइनली पहुँच गए हम काठगोदाम, देख सकते हैं आप उतर गए हम सब,
सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी क्या? ब्लॉगिंग को बीमारी बोलने लग गए तो फिर फायदा ही क्या? चलो गाइस पहुंच गया, मेरी नींद पूरी तो हो गई है हल्की हल्की, बस अब चलते हैं आगे फिर मिलते। कितने पब्लिक, सब कैंची धाम नैनीताल घूमने के लिए, पब्लिक फुल ऑन है, मतलब इतनी पब्लिक आ रही है क्या बताएं। गाइस फाइनली अभी उतरने के बाद से अब हम टैक्सी के लिए जा रहे हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक स्कूटी राइड की, हम डिस्कस ही कर रहे थे कि स्कूटी लें, ये पता नहीं यहाँ रेस्टोरेंट की साइड ले जा रहे, पार्किंग गाड़ी इधर लगा रखी इन्होंने भैया ने। अभी हम यहाँ से आए तो आपको शायद मैं दिख नहीं रहा हूँ, एक सेकेंड। सो गाइस फाइनली अभी पहुँच चुके हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम डिस्कस ही कर रहे थे कि किस में जाएँगे, क्योंकि स्कूटी लें या कार, कैब करें। अब जाके फाइनली कैब में बात बन गई है तो कैब ही कर रहे हैं। क्या मैंने स्कूटी, पहले स्कूटी राइड ली, स्कूटी अच्छी थी, तो हमें 500 रुपये पर आओ, मतलब पर आओ नहीं, फुल बार 12 आवर्स के लिए 500 रुपये में पड़ रहे, और कैब भी 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक पड़ रही है, कोई 5 हज़ार कोई 4 हज़ार। अब भैया लेके जा रहे हैं हमको, देख सकते हैं वापस से, हम 4 लोग हैं तो हमने सोचा कि स्कूटी भी कर लें तो बेनिफिट रहता है, बट नहीं, कुछ मौसम की वजह से फिर शिकायत हुई क्योंकि नहीं जो करना। बाकी यहाँ आप कैब लगी है, चलो देखते हैं अब क्या होता है, बात करते हैं फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। शुक्रिया, देख सकते हैं यहाँ आगे कैब। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे, अभी मंदिर दिखने वाला, देखने जा रहे के साथ वाले, बाकी नहाने धोने का प्रोग्राम बना रहे हैं कि कहीं पे मिल जाए रूम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए, फिर नहाते हैं, फिर दर्शन आरती के लिए पहुंचते हैं मंदिर में। सो गाइस फाइनली अभी उतर चुके हैं हम यहाँ से, अब नहाने के लिए जा रहे हैं, बैग ले लिया है, देख सकते हैं आप पब्लिक काफ़ी है। अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, अब यहाँ से मैं आपको मंदिर का दर्शन दिखाने वाला हूँ, मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, जय हो बाबा नीम करौली महाराज जी की। आपको यहाँ से मैं दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो। एक्चुअली यहाँ पे पेड़ आ रहा है, देख सकते हैं आप, और वेदर इतना ज़बरदस्त हो रखा है गाइस यहाँ का, चेक करो, बादल हल्के हल्के बादल, मतलब बहुत अच्छा व्यू हो रखा है, बट ये है कि मैं चेक करके बताता हूँ, देखता हूँ आगे से, मतलब दिख तो रहा है यहाँ पे, तो एक्चुअली पीछे से दिख रहा था, यहाँ पे पेड़ लग रहा था, पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा है। ये देखो यहाँ से दिख गया गाइस, जय हो भगवान नीम करौली महाराज जी की। ये देखो उनके जो नीचे आश्रम वाला, अभी बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ 2 मिनट और जी। भैया ने हमें पता नहीं कौन से रास्ते भेज दिया, देखो यहाँ से हम लगे हुए हैं बीचों बीच, इन्होंने कहा नहाने के लिए नीचे चले जाओ, वहाँ पे 100 रुपये पर पर्सन का है। तो ये देखो आगे सब वीडियो बनाने में लगे हैं, सब ब्लॉगर ही ब्लॉगर, चेक कर सकते हैं आप, एक के बाद एक ब्लॉगर सबके सब ब्लॉगर हैं। भैया ने ऐसा रास्ता बताया कि खैर हमारे लिए तो ये नो कॉमन है, बट ये देखो इसमें हाथ लगाओगे तो मतलब पूरे दिन 2 दिन तक आप देख सकते हैं, वहाँ पे ब्लॉग शूट हो रहा है। ये इनके पापा वो हमारे प्रेम भाई ब्लॉगिंग, भैया ने ऐसा भेजा कि क्या बताऊँ। वो देखो गाइस मंदिर हल्का हल्का दर्शन दिख रहा होगा आपको, इधर पे थोड़ा सा इस पेड़ के पीछे, इस पेड़ के पीछे, बट यहीं पे मान के चलो आप। तो गाइस ट्रैवल इतना अमेजिंग होना है, मैं जो बोल रहा था कि ट्रेन में सीट नहीं मिल रही, बट हमें सीट भी मिल चुकी थी, और सीट मिल चुकी थी हमें फाइनली, और सोने को भी हो गया था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, सोने को भी बहुत अच्छा हो गया था। बाकी आप देख सकते हैं वेदर बहुत ज़बरदस्त हो रखा है यहाँ का गाइस, चेक करो। अब आए हम प्रॉपर गांव वाले एरिया में, देख सकते हैं आप हमारे गांव में भी ऐसी है रास्ता, कुछ ऐसा पतला सा रास्ता, फिर वहाँ पे पेड़ पौधे फल फ्रूट के, बाकी आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त वेदर हो रहा है। मेरे को तो वेदर बहुत प्यारा, मज़ा आ रहा है, बट वेदर भाई यहाँ देख सकते हैं आप रोज़गार के लिए क्या करके, देखो मेरे पीछे आप घर देख सकते हैं, इन्होंने क्या करा है कि अपने घर के वॉशरूम को
देने के लिए कर दिया कि पर पर्सन 100 रुपये लगेगा, मतलब क्या टाइम लगता है पानी नहाना है फ्रेश होना है, पर पर्सन 100 रुपये तो मतलब जितने पर्सन उतने रुपए, हम 4 लोग हैं तो 400 का वैसे मॉर्निंग टाइम पे बन गया। बाकी इनका यहाँ देख सकते हैं आप कैरी वगैरह बना रखी है बगीचे, ये देखो ककड़ी का हो, ये बेल देखो आप इनकी, ये किचन गार्डन टाइप्स बना रखा है इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्लावर्स वगैरह अच्छे नहीं, इन्होंने अपने घर को ही वो बना दिया गाइस, गाँव वाले और अपने घर को ही पूरा कि चलो चल जाएगा। तो सो गाइस फाइनली मैं रेडी होके निकल चुका हूँ, मैंने कुर्ता पहन रखा और ब्लैक जीन्स कुर्ते के साथ, मैं जा रहा हूँ मंदिर के लिए। मंदिर सामने मेरे सामने दिख रहा है, आरती स्टार्ट हो गई है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम, एक्चुअली इन्होंने पहले बताया नहीं, 2 वॉशरूम थे, एक ही वॉशरूम हमें बताया था। अब मैं फाइनली रेडी हो गए निकल चुका हूँ, मैंने बाल भी नहीं बनाए ऐसे ही करके अपने झोपड़ पुट्टी खरगोश का घोंसला, चलो चलते हैं नीचे मिलता हूँ बाद में। तो स्टार्ट हो चुकी है ये है मंदिर, घंटी बेल सुनाई दे रही है, लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई है, थोड़ा सा डिले हो गया टाइम के। बाकी आप मेरा लुक देख सकते हैं कैसा लग रहा है, बताना कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है अभी गाइस, बताना कमेंट कैसा रहा। वो देखो भीड़ देखो गाइस, सब लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग डिले हो गए एक्चुअली, टाइम से पहुँच तो गए थे बट ये कि नहाने धोने में टाइम लगता है सबको, मैं तो मुश्किल से 10 मिनट में फट से रेडी हुआ गया, पानी डाला आगे इतना भीड़, पूरा लाइन लगी हुई है पुल तक, तो आरती के लिए बंद कर दिया इन्होंने अभी, आरती के लिए रास्ता बंद कर दिया रोड अभी शायद, नहीं लाइन लगी हुई है बहुत लंबी, चेक कर सकते हैं आप। जय हो नीम करोली, 1 किलो आधा किलो पाव भर देखे चल चुके हम लोग मंदिर के लिए, भीड़ देख सकते हैं। सत्य नदी इसका नाम एक्चुअली मेरे को याद नहीं, बट वहाँ देखो नहाना दोनों, और इधर कैमरा अलाउड नहीं है अब तो मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, अब मिलता हूँ आके वापसी में, बाय बाय गाइस। हम मंदिर से दर्शन करके आ गए, देख सकते हैं अभी भी हम लोग एक दो फोटो खींचते फटाफट, नहीं तो गार्ड करके आ चुके हैं, देख सकते हैं आप पब्लिक देख सकते हैं गाइस यहाँ पे क्राउड के बना गाइस, फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं आप देख सकते हैं क्राउड से करे गाइस, अभी तो भीड़ कम हो गई, अब लोग घूमने निकल गए यहाँ से, दर्शन करने के बाद सब निकल के घूमने, अब हम भी जाने घूमने यहाँ से, दर्शन हो गए हमारे भी अच्छे से, दर्शन हो गया हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं शायद मुक्तेश्वर जाएंगे, फिर वहाँ टी गार्डन या एप्पल गार्डन ऐसे देखते हैं अभी क्या, एक फॉल भी है वाटरफॉल है वहाँ पे देखते हैं, कैब मंगा दी हमने ऊपर से। गाइस फाइनली अब हम ऊपर जाने लग गए हैं अपने बैग वैग लेने के लिए, वहाँ से फिर निकलते हैं सीधा मुक्तेश्वर या। सो गाइस फाइनली यहाँ से अलविदा कर चुके हैं हम, आएंगे फिर अगली बार, और मेरे पीछे का वेदर तो आप चेक कर सकते हो यार कितना अमेजिंग आ रहा है। अब हम निकल गए ऊपर, अभी गोरखो देवता या ऐसे गोलू देवता ऐसे कुछ है यहीं पे, मतलब वो थोड़ा सा दूर है यहाँ से, बट मेरे को यहाँ का अभी मैंने बहुत टाइम से मिस करा था उत्तराखंड, क्योंकि मैं नोएडा में हूँ दिल्ली में, तो वहाँ पर ना ये वेदर देखने को नहीं मिलता जो मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, देख रहे आप आसमान नीला, उसमें हल्के हल्के वाइट बादल, ग्रीनरी, ये चीज़ें वहाँ पे देखने को मिस होती हैं काफ़ी काफ़ी बार, हम सोचते हैं यार काश ऐसा देखने को मिलता, एक्चुअली मैं देख रहा था मेरे पैर में क्या लग गया और जूते से वो ऐसा हो रहा था। बाकी यहाँ से अब अलविदा कर चुके हैं, और साथी हमारे 2 वहाँ नीचे से आ रहे हैं, और एक ही हैं हमारे साथी ब्लॉगर, ब्लॉग कर रहे शूट। बाकी गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, तब तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, बाय।